कमलेश जी हैं नरसिंहपुर से। आदरणीय गुरु जी से निवेदन है कि सात पृष्ठ था कि कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है वह गृहस्थ लोग व बुजुर्ग साल की सभी एकादशी का व्रत रखने से मना करते हैं। वह कहते हैं कि यह व्रत पितृ से संबंधित है, इसलिए सभी एकादशी नहीं रखनी चाहिए, साल में एक तो छोड़ ही देनी चाहिए। जबकि हमारे गुरु जी द्वारा आजीवन व प्रत्येक एकादशी व्रत के साथ भगवत पूजन कहा है, जो सही है, शास्त्रत है। कृपया लोगों द्वारा कही जाने वाली बातों का खंडन बताने की कृपा करें। देखिए, हमारे यहाँ है 18 पुराण और एक पुराण और है 19वां, जिसको कहते हैं बुढ़िया पुराण। तो ये बुढ़िया पुराण की बहुत सारी बातें लोकाचार में प्रचलित हैं। यदि शास्त्र प्रमाण नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई एकादशी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं बताऊं, पंजाब में तो लगातार 5 दिन 5 एकादशी व्रत रखे जाते हैं, बहुत प्रचलित है। पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मैंने तो कहीं शास्त्र में पढ़ा नहीं, कहीं देखा नहीं, कहीं सुना नहीं, लेकिन ये लोकाचार है, ये बुढ़िया पुराण है, रखते हैं, रखें, कोई हानि नहीं, क्या हानि, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर देखिए, जब आप कह रहे हैं हमारे गुरु जी, तो गुरु राज्ञा गरीयसी, गुरु जी कहते हैं रखो तो रखो, गुरु जी कहते हैं मत रखो तो मत रखो। जब गुरु ने कह दिया, उसके बाद किसी लोगों को सुनने की जरूरत क्या है, और ऐसे गुरुद्रोही लोगों को संतुष्ट करने की जरूरत क्या है, ऐसी बातों में अपनी ईगो फंसाने की जरूरत क्या है। कोई कहता है नहीं छोड़नी चाहिए, बोले भैया तू छोड़ दे, हमें गुरु जी ने कहा है पूरी रखनी है, हम पूरी रखेंगे, तेरे को ऐसा लगता है कि पितृ से संबंधित है छोड़नी है तो आप छोड़िए ना, मैं मना थोड़ी कर रही हूं कि आप पूरी रखिए। और आप दबाव भी मत डालिए, किसी अश्रद्धा वाले को उपदेश देने से नामापराध होता है। यदि वो कोई मैया बुढ़िया पुराण में कहती है कि नहीं एक तो छोड़नी चाहिए, बोले हाँ हाँ बिल्कुल छोड़नी चाहिए, आप छोड़ दीजिए एक, बोले तू छोड़, बोले मैं नहीं छोड़ूंगी ना, उससे कहना है कि नहीं नहीं तुझे नहीं छोड़नी है, तू गलत है। अरे जो गलत है उसको गलत रास्ते पर जाने दीजिए, जब तक वो आपसे पूछे नहीं। और बहस करे तो बिल्कुल ही बहस नहीं करनी है, और ईगो सेट नहीं करनी है इसमें, वो गलत कर रही है, अरे करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों हो तो दास, तू अपनी गुरु आज्ञा का पालन कर। आपको अपनी गुरु आज्ञा का श्रद्धा सहित पालन करना है, आप उसका पालन कीजिए, लोग जो कर रहे हैं करने दीजिए। और देखिए, यहां तो एकादशी की बात है, ऐसे भी वैष्णव हैं जहां गुरु आज्ञा है कि एकादशी नहीं करनी, तो उनको नहीं करनी चाहिए। गुरु आज्ञा गरीयसी, जो नहीं करते हैं वो भी अच्छे हैं, जो करते हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन बैक में गुरु आज्ञा होनी चाहिए। गुरु आज्ञा है एकादशी करो और आप नहीं करो तो गड़बड़ होगा, और गुरु आज्ञा एकादशी नहीं रखना बेटा। यदि आप पूछ लो गुरु जी हमारा मन करता है, बोले करता है तो कर लो, तो कर लो, वो कहना ना बिल्कुल मन को मारो, कोई एकादशी नहीं करनी, तो नहीं करनी चाहिए। तो गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरुदेव की आज्ञा सर्वोपरि है, उसका हमें पालन करना ही चाहिए। जय श्री राधे, जय निताई।